अज की इस वीडियो विच असी तुहाडे नाल श्री अमृतसर साहिब नाल संबंधित कुछ डूंघियां जानकारियां सांझियां करांगे जो तुहानू बिल्कुल पता नहीं होणगियां। इसलिए बेनती है कि इस वीडियो नू पूरी जरूर वेखियो। नंबर एक, दोस्तों जिस जगह अज दरबार साहिब बनिया होया है, किसी समय बाबा नानक जी ते भाई मरदाना जी अपनी उदासी दौरान आए सन। उस समय इस स्थान उपर एक विशाल छप्पड़ सी ते बाबे नानक ने इस छप्पड़ विच अपने पैर धोए सन। नंबर दो, जिवें कि तुहानू पता है कि अमृतसर का नाम इत्थों दे सरोवर करके पिया है। कहिंदे हन कि महात्मा बुद्ध अपने अध्यात्मक दौरे दौरान कुछ समय इत्थे ठहरे सन। उन्हां समयां विच इह सरोवर एक भारी जंगल विच घिरिया होया सी। इस अलौकिक स्थान नूं वेख के उन्हां फरमाया सी कि इह स्थान साधुआं ते संतां दे ध्यान करन लई सब तों उचित स्थान है। इस लई ध्यान करन वाले इस स्थान नूं सब तों ज़्यादा चुणदे ने। नंबर तीन, की तुहानू पता है कि अमृतसर साहिब दा नाम पहला की हुंदा सी? अमृतसर साहिब तो पहला नाम हुंदा सी रामदासपुर। अमृतसर नू पहला इस नाम नाल ही जाणिया जांदा सी। नंबर चार, की तुहानू पता है कि अमृतसर दे नाल साहिब शब्द क्यों लगदा? जेकर नहीं तो सुनो, क्योंकि साहिब शब्द सत्कार, अदब, मुहब्बत ते जान निशावर करन वाले दी निशानी है। इसलिए असी अमृतसर दे पिछे साहिब शब्द लगाउंदे हाँ। एक तरीके नाल असीं अपने शहीदां नूं सत्कार ही दिंदे हाँ, इसलिए अमृतसर दे पिछे साहिब शब्द दी वरतों जरूर करिया करो। नंबर पांच, यह जानकारी शायद तुहानू पता ना होवे, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने पूरे जीवन विच कदे भी अमृतसर साहिब विच नहीं आए। जेकर वेख्या जाए तो यह बहुत वड्डी गल है, क्योंकि वह गुरु होके भी अमृतसर साहिब विच नहीं आ पाए। नंबर छे, जिवें कि हिंदू धर्म विच 68 तीर्थ मन्ने गए हैं, की तुहानू पता है कि अमृतसर नूं जांदी एक पगडंडी 68 पलांगां दी क्यों बनाई गई है? यह जानकारी बहुत खास है। जो भी इंसान इस स्थान ते सच्चे दिल आउंदा है, मन विच प्रेम रख, गुरु अगे झुकदा है, उसदे 68 तीर्थ सफल हो जांदे हन। नंबर सत्त, दोस्तों दरबार साहिब दी पूर्व दिशा वल हर की पौड़ी बनाई गई है। इस पौड़ी नूं बनाउण दे पिछे दो धारनावां हन। पहली धारना यह है कि गुरु अर्जन देव जी इस जगह बैठा करते सन। दूजी धारणा यह है कि हर की पौड़ी बनाने लई अकाल पुरख ने खुद हुक्म किया सी ते खुद ये पौड़ी बनाई सी। इन्हां दोनों धारनावां विचों दोने ही धारनावां बिल्कुल सही हैं। नंबर अठ, यह जिहड़ी इतिहासक गल मैं तुहानू दसन जा रहा, यह सबनों याद रखनी चाहीदी है। 15 मई 1606 ईस्वी नूं श्री हरिमंदर साहिब विखे गुरु अर्जन देव जी नूं जहांगीर ने गिरफ्तार करन दे हुक्म जारी कर दिते सन। उस समय गुरगद्दी की जिम्मेवारी गुरु अर्जन देव जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब नूं सौंप दिती सी। उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब की उम्र 11 साल की सी। उस समय गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं गुरु अर्जन देव जी ने जांदी वार गलबकड़ी पाई सी। नंबर नौ, की तुहानू पता है कि दरबार साहिब के नीचे की है? जेकर नहीं तो सुनो, दरबार साहिब के नीचे छोटे छोटे गुप्त रस्ते हैं जो कि एक इंसान की लंघन लई बनाए गए हैं, जो दरबार साहिब की नींह नूं सुरक्षित रखने लई बनाए गए ने अते निगरानी करने लई बनाए गए ने। पर मौजूदा समय की गल की जाए तो ये रस्ते हुण बंद कर दिते हैं, पर खुदाइयां दौरान ये रस्ते अज भी मिल जाते हैं। दोस्तों, साडी दित्ती हुई जानकारी तुहानू किवें लगी कमेंट करके जरूर दस्यो। तो जेकर तुसीं साडे चैनल ते पहली बार आए हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करके वीडियो नूं अगे शेयर जरूर कर दिओ। दोस्तों, असीं सिख हिस्टरी नाल संबंधित धार्मिक वीडियोज़ बनाउंदे रहिंदे हां ते साडी बाकी वीडियोज़ नूं एक बार जरूर वेख्यो। मिलदे हां अगली वीडियो ते, उदों तक रब रखा।